सक्सेस जोन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेक्टर इंडक्शन मोटर, लिनियर इंडक्शन मोटर और मैग्नेटिक लेविटेशन। तो यहाँ पर मैं आपको सेक्टर इंडक्शन मोटर क्या होती है और क्या होती है आपकी ये लिनियर इंडक्शन मोटर, और साथ में आपकी मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है, और आपके इस लिनियर इंडक्शन मोटर के ऊपर मेट्रो ट्रेन वगैरह जो हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन बुलेट ट्रेन है ये सारी आपकी लिनियर इंडक्शन मोटर के ऊपर वर्क करती हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वो आपकी जो बुलेट ट्रेन होती है वो कैसे एयर पटरी से थोड़ा सा ऊपर उठकर चलती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपको इस सारी बातों की डिटेल पूरी तरीके से इसकी डिटेल मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें जिससे आपको सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। साथ आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको इन सारे टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्टर इंडक्शन मोटर, ठीक। तो यह मोटर क्या है, समान इंडक्शन मोटर की तरह होती है। तो यहाँ पर अभी हमने आप इसके इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियो जो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के बहुत से टाइप होते हैं सारी वीडियो में डाल चुका हूँ जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हमने KCL, KVL, थेवेनिन, नॉर्टन के ऊपर भी बहुत से वीडियो हैं जो आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिशियन नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी जहाँ आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आज हम देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है सेक्टर इंडक्शन मोटर। तो सेक्टर इंडक्शन मोटर क्या होती है, यह मोटर सामान्य मोटर की तरह होती है, ठीक, परंतु इसमें आधे स्टेटर की वाइंडिंग को हटा दिया जाता है, ठीक। तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, आपका यदि मैं इस स्टेटर को पूरा बना देता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मेरा स्टेटर अभी आधा दिख रहा है आपको, मैं इसको पूरा बना लिया होता तो मेरी क्या बन जाती, फुल इंडक्शन मोटर। लेकिन इसका नाम है सेक्टर इंडक्शन मोटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका फुल इंडक्शन मोटर होती है ना, ये मैं इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इंडक्शन मोटर, उसका जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसको यहाँ पर आधी वाइंडिंग करते हैं हम। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, स्टेटर की वाइंडिंग से आधी वाइंडिंग कर देते हैं। तो ये हमारी कौन सी बन जाती है, सेक्टर इंडक्शन मोटर, ठीक। तो यहाँ पर सेक्टर इंडक्शन मोटर में क्या होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसको वाइंडिंग के आधी करने के, वो हम देखते हैं। तो क्या होता है, यह मोटर समान इंडक्शन मोटर की तरह होती है परंतु इसमें आधी स्टेटर की वाइंडिंग को हटा दिया जाता है जिससे मोटर में वोल्टेज का मान आधा हो जाता है, ठीक। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधे टर्न को हटा देंगे तो हमारे जब टर्न ही आधे हो गए तो हमें वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, अपने आप आधा हो जाता है। यानी हमारी जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर होती है उसी रेटेड पे उसी रेटिंग के लिए हमें आधी सप्लाई की आवश्यकता होती है, उसी हमारी कौन सी कहलाती है, सेक्टर इंडक्शन मोटर, ठीक। परंतु मोटर की उस स्थिति में रेटेड वोल्टेज को सप्लाई करती रहती है, सॉरी यहाँ पर रेटेड वोल्टेज की जगह पर यहाँ पर आपको रेटेड पावर होना चाहिए था, रेटेड पावर या टॉर्क, ठीक। तो रेटेड पावर या टॉर्क को सप्लाई करती रहती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, और यहाँ पर क्या होता है हमारे लिए, ये देखिए आपका स्टेटर है जिसको हमने क्या किया है, आधा करके बनाया है, ठीक। यानी आधा सेक्टर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर इंडक्शन मोटर बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इस रोटर और इस स्टेटर के बीच में हल्का सा एयर गैप मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर हम इसमें कुछ चीज़ें लगाकर इसे बॉल यानी बेयरिंग के साथ ऐसे इस रोटर को क्या करते हैं, इस स्टेटर से हल्का सा ऊपर उठाकर रखते हैं। यदि ये पूरा स्टेटर इस बाइंडिंग के ऊपर रख जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रोटेट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लगाकर अपनी एंड प्लेट की सहायता से इसको क्या कर देते हैं, रोटर को स्टेटर से थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखते हैं, ठीक। तो यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम सेक्टर की किसी भी स्टेटर की वाइंडिंग को आधा कर देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक। तो माना कि कोई इंडक्शन मोटर है, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई इंडक्शन मोटर है जिसमें चार पोल और 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। यानी यहाँ पर इंडक्शन मोटर का मतलब नॉर्मल इंडक्शन मोटर से है, कोई इंडक्शन मोटर है जिसमें क्या है, चार पोल 50 हर्ट्ज़ है। तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी, 120 × 50 / 4, तो आपका सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी, 1500 RPM, ठीक। तो हमारी क्या होती है, जब इसमें चार पोल 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्थिति में लगभग 1500 RPM की सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगी। यानी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर यह मोटर लगभग 1500 RPM पर घूम रही होगी, कुछ ना कुछ स्लिप का मान होगा, जैसे 1500 से हल्का सा कम घूमेगी, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है कि ये 1500 RPM पर घूम रही होगी, ठीक। यदि मोटर के टर्न की संख्या को आधा कर दिया जाए, अब हम क्या बना रहे हैं, सेक्टर इंडक्शन मोटर। तो सेक्टर इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, मोटर के टर्न की संख्या को आधा कर देते हैं। अब हमने क्या किया, यदि मोटर के टर्न की संख्या को आधा कर दिया जाए तो केवल दो ही पोल शेष रह जाएंगे, यानी पहले चार पोल थे, अब हमने बाइंडिंग के वो आधा कर दिया तो केवल कितने बचेंगे, दो पोल। तो
तो यदि हम क्या करते हैं, दो पोल कर देते हैं लेकिन हमारी सप्लाई तो चेंज हुई नहीं, तो यदि मेरी सप्लाई चेंज नहीं हो रही तो अब हमारी सिग्नल स्पीड क्या हो जाएगी, 120 एफ डिवाइडेड बाय पी, यानी कि कितना हो जाएगा 120 गुणित 50 बटे 4 सॉरी 2, तो आपका कितना हो जाएगा ये 3000 आरपीएम। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 3000 आरपीएम। तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी आपकी 3000 आरपीएम। यानी हम क्या करता हूँ, कार बाइंडिंग की संख्या को आधा करो तो मेरे पोल भी आधे हो जाते हैं, पोल अगर आधे होते हैं तो हमारी स्पीड दोगुनी हो जाएगी, यानी 1500 के 3000 आरपीएम पे दी जाती है। ठीक, दो पोल की स्थिति में संगुण स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, दोगुनी हो जाती है, परंतु वोल्टेज के आधे हो जाने के कारण। ठीक, अब हमारा क्या होता है, जो टॉर्क है वो लगभग वोल्टेज के सीधा प्रोपोर्शनल होता है या स्पीड। यदि हम कम वोल्टेज देंगे तो हमारी स्पीड, हमारी मोटर कम स्पीड पर घूमेगी। ठीक, तो यदि हम आधा वोल्टेज देते हैं तो मैं मान लेता हूँ लगभग मेरी स्पीड आधी स्पीड पर घूमेगी यदि मैं आधा वोल्टेज देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्पीड हमारी जो होनी थी वो कितनी होनी थी, 3000 आरपीएम। ठीक, अब हमने आधी वोल्टेज दिया तो कितना हो जाएगी स्पीड, 1500 आरपीएम। और जब हमारे चार पोल थे तब भी आपकी स्पीड कितनी थी, 1500 आरपीएम। तो हमारा क्या होता है, आधे वोल्टेज देने पर भी यहाँ पर मोटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या था यहाँ पर कि दो पोल थे, चार पोल थे, तो चार पोल की वजह से 1500 आरपीएम स्पीड आ रही थी। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले मोटर में आपके दो चार पोल कनेक्ट थे, अब दो पोल कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है, हमने सप्लाई भी आधी कर दी, तो क्या हुआ आपकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई आधी नहीं हुई होने की वजह से आपकी स्पीड भी आधी होनी थी, लेकिन हमने दो पोल कनेक्ट कर दी जिसकी वजह से स्पीड दोगुनी हो गई थी और सप्लाई को आधा किया। ठीक, तो हमारी क्या हो रही थी, दो पोल की वजह से स्पीड दोगुनी हो रही थी, लेकिन सप्लाई के आधे करने से, सप्लाई के हाफ होने से आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो क्या होता है, आपकी जो पुरानी स्पीड थी चार पे वो क्या होता है 1500 आरपीएम के लगभग बनी रहती है। इससे इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर इंडक्शन मोटर, और लगभग आधे वोल्टेज पर भी ये क्या होती है, लगभग उसी स्पीड पर घूमती रहती है। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें, तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें स्टेटर बार रोटर के मध्य एयर गैप को रखना आवश्यक होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में मिनिमम एयर गैप मेंटेन करना होता है, इसलिए हम एंड प्लेट और किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो हमारा कि जो स्टेटर और रोटर के मध्य में एक मिनिमम एयर गैप मेंटेन रहे। ठीक, इसके बाद यह लगभग इस स्थिति में 30% पावर को ही डेवलप करती है, यानी जो हमें टॉर्क मिल रहा था या आपकी एयर गैप पावर थी, एयर गैप पावर क्या होता है हमारा पीजी। ठीक, और पीजी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पीजी इक्वल टू पीजी और पीएमडी में जो रिलेशन होता है, पीजी इक्वल टू 1 - s × pmd, यानी मैकेनिकल डेवलप पावर। तो ये जो हमारी एयर गैप पावर होती है लगभग कितनी डेवलप होती है आपकी, केवल 30%। यानी कि आपका अगर फुल इंडक्शन मोटर होती तो आपका जो टॉर्क था लगभग 100% टॉर्क डेवलप करता, लेकिन यहाँ पर उसके कंपेयर में केवल क्या होता है आपका 30% टॉर्क ही, या आप ये उसके कंपेयर में केवल 30% लोड को ही क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं आपके, सेक्टर इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, केवल आधी वाइंडिंग यूज की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेटर में केवल तीन फेज सप्लाई देते हैं, L1, L2 और L3। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और यहाँ पर क्या है, स्टेटर को आधा कर दिया गया है और बीच में आपका ये जो है एयर गैप। तो इस एयर गैप को क्या होता है, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि हम इस एयर गैप को नहीं रखेंगे तो आपका जो है पूरा स्टेटर है वो किस पे रख जाएगा, आपकी वाइंडिंग पे। यानी अगर बीच में एयर गैप नहीं होगा तो पूरा स्टेटर आपका, रोटर आपका वाइंडिंग पे रख जाएगा। तो ये रोटर वाइंडिंग पे होने की वजह से ये रोटेट ही नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम एयर गैप को मेंटेन करना होता है यहाँ पर, किसमें, सेक्टर इंडक्शन मोटर। हमारी कौन सी कहलाती है, सेक्टर इंडक्शन मोटर। ठीक, और इसमें हमारा कुछ और पॉइंट है कि इस मोटर में भी फ्लक्स उसी स्पीड से रोटेट करता है जैसा कि ओरिजिनल मोटर में करता है। यानी जैसे यदि हमारे चार पोल की मोटर थी तो 1500 आरपीएम पर फ्लक्स रोटेट कर रहा था, जब हमने घटाकर दो पोल कर दी तब भी हमारा क्या 1500 आरपीएम पे ही मोटर रोटेट कर रहा है, यानी हमारा जो फ्लक्स वो भी लगभग क्या होता है आपका 1500 आरपीएम पर ही रोटेट करता है। ठीक, इसमें ओरिजिनल वोल्टेज का लगभग 50% वोल्टेज ही प्रयोग किया जाता है, इसमें केवल आधे टर्न, क्योंकि इसमें आधे टर्न ही शेष रह जाती। मैंने बताया था हम क्या करते हैं, केवल 50% वोल्टेज ही देते हैं रेटेड वोल्टेज का। ठीक, वो भी क्यों, क्योंकि हमने अगली बार में क्या किया है, टर्न की संख्या को आधे कर दिए गए, इसलिए इसमें ओरिजिनल वोल्टेज से लगभग 50% वोल्टेज ही प्रयोग होता है, तो इसमें केवल आधे टर्न ही मोटर में शेष रह जाते हैं। अब हम चलते हैं अपनी लीनियर इंडक्शन मोटर की तरफ। तो लीनियर इंडक्शन मोटर क्या होती है, तो यदि हम अभी आपने देखा सेक्टर इंडक्शन मोटर को, सेक्टर इंडक्शन मोटर। ठीक, तो यदि सेक्टर इंडक्शन मोटर के स्टेटर को एक समतल आकार में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह एक सीधी रेखा में चलता हुआ फ्लक्स जनरेट करती है। ठीक, यदि हम इसके ऊपर एक समतल के आकार के ही रोटर को लेकर आएं तो यही उसी दिशा में आगे चलने लगता है, इसे हम लीनियर इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारी ये क्या थी, सेक्टर इंडक्शन मोटर थी, अभी ये फ्लक्स क्या इस तरीके से कर्व के टाइप, यदि मैं क्या करूँ, इस स्टेटर को ऐसा फ्लैट बना लूँ। ठीक, और रोटर क्या है हमारा, स्क्वायरल केज टाइप रोटर है, यानी हमने कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करके रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक
रोटर भी ऐसा बना लूँ, यानी एक फ्लैट समतले रूप में बना लूँ या एक प्लेट बना लूँ एल्यूमिनियम की, तो भी हमारा क्या बन जाएगा, एक रोटर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि हम इसमें 3 फेज सप्लाई देंगे, तो अब अगर ये स्टेटर जब गोल रहता है, यानी इस तरह से रोटेट रहता है, तो पूरा रोटेट होता फ्लक्स जनरेट करता है। यदि मैंने इसको सीधा बना दिया, तो अब क्या करेगा, फ्लक्स कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे ऐसे क्या होगा, आपका फ्लक्स आगे बढ़ेगा। तो जिस तरह जिस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ता है, उस डायरेक्शन में हमारा इस स्टेटर के ऊपर एक रोटर रखा होगा, ठीक, जो क्या होगा, एक फ्लैट होगा। तो ये रोटर भी क्या होता है, उसकी दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, लिनियर इंडक्शन मोटर। यानी हमारा यहाँ पर जो रोटर है वो गोली यानी आवर्ती गति को ना करके, यानी कि एक गोले के रूप में ना घूमकर, गोल रूप में ना घूमकर किसमें घूमता है, एक रेखीय यानी कि समतलीय गति करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिनियर इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिनियर इंडक्शन मोटर कैसे होती है। तो मैंने बताया आपको, हमने केवल क्या किया है, ये जैसे आपने देखा था अभी सेक्टर इंडक्शन मोटर में क्या था, आपका स्टेटर ऐसा बना हुआ था, हमने क्या किया यहाँ पर स्टेटर को फ्लैट करके बना लिया, और बाकी 3 फेज सप्लाई को सेम टू सेम रहने दिया, ठीक। और रोटर को भी हमने क्या कर दिया, इस तरीके से फ्लैट बना लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करूंगा 3 फेज, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ एक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक, इस डायरेक्शन में। तो हमारा रोटर भी क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में फ्लक्स के साथ आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, लिनियर इंडक्शन मोटर। इन्हीं सब इंडक्शन मोटर का प्रयोग क्या किया जाता है, आपके मोटर में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि सेक्टर सिंथेटिक, तो यदि इसके ऊपर एक समतल के आकार के ही रोटर को रख दिया जाए, तो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लिनियर इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी, जे एस से शो करते हैं इसको, लिनियर सिंक्रोनस स्पीड, ये क्या होती है आपकी, इक्वल टू 2 Wf। तो W यहाँ पर आपका क्या है, वेट ऑफ वन पोल पिच, और F क्या है आपकी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक। तो यहाँ पर आपका, आपने कोई क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर क्या है कि आपका स्टेटर और रोटर के बीच में हम एयर गैप किसी भी इंडक्शन मोटर में मेंटेन करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम इस एयर गैप को कैसे मेंटेन करेंगे, तो यहीं पर एक एयर गैप होता है जो हम कैसे मेंटेन करते हैं, मैग्नेटिक लिविटेशन की सहायता से, ठीक। तो यहाँ पर हम जो एयर गैप मेंटेन करते हैं, वो करते हैं मैग्नेटिक लिविटेशन की सहायता से। और मैग्नेटिक लिविटेशन हम आगे पूरी डिटेल में समझने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। अभी हम देखते हैं कि लीनियर इंडक्शन मोटर का जो आपका सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला वो क्या होता है, 2 Wf, जहाँ पर W क्या है आपकी, वेट ऑफ द पोल पिच, और F क्या है आपकी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले कहीं भी नंबर ऑफ पोल का जिक्र नहीं है, ठीक, यानी हम नंबर ऑफ पोल को कहीं भी नहीं ले रहे हैं। इसलिए आपकी जो लीनियर इंडक्शन मोटर केवल एक ऐसी इंडक्शन मोटर होती है जिसकी सिंक्रोनस स्पीड नंबर ऑफ पोल पर ना डिपेंड कर पोल की पिच पर डिपेंड करती है। तो अभी हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट यहाँ पर, ठीक। तो यह रोटर के स्थान पर एक कॉपर या एल्यूमिनियम का प्लेट का भी प्रयोग किया जाता है, यानी हम स्क्रॉडल केज इंडक्शन, यदि हम स्क्रॉडल केज रोटर को नहीं प्रयोग करना चाहते कि एक पूरी छड़ों को एक समतल रूप में ना परिवर्तन करके, यहाँ पर हम एक कॉपर और एक एल्यूमिनियम की प्लेट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद है, बहुत से प्रायिक कार्यों में इस मोटर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि इसका स्टेटर रोटेट होता है, परंतु इसके रोटर स्टेट परंतु इसका रोटर ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, परंतु इसका जो स्टेटर होता है, ठीक, इसका स्टेटर रोटेट होता है परंतु इसका रोटर स्थिर अवस्था में होता है, ठीक। यानी हम कुछ इस तरीके से इंडक्शन मोटर बना लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये क्या हो जाएगा आपका कि परंतु ठीक, इसका रोटर क्या होता है, इसका रोटर है वो रोटेट होते रहता है, ठीक, स्टेटर रोटेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट गलत लिखा हुआ, तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या होता है आपका, कुछ इंडक्शन मोटर हम ऐसे भी बनाते हैं जिनमें क्या होता है आपका स्टेटर है वो स्थिर रहता है, स्टेटर क्या होता है आपका रोटेट होता रहता है, और हम क्या कर लेते हैं, रोटर को स्थिर कर लेते हैं। यानी मैंने क्या किया, ये जो आपकी इंडक्शन मोटर है, इसे हम क्या करें, यदि इस रोटर को फिक्स कर दें, और यहाँ पर क्या करें, इस 3 फेज सप्लाई यानी जो रोटर है इसको मूव कराएं, तो हमारा ये मोटर भी बन सकती है। हमारे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर के हिसाब से किसी भी एक चीज़ में मूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, अगर हम स्टेटर रोटर को स्थिर कर देंगे, तो हमारा क्या होता है, स्टेटर रोटेट होने लगता है, तब भी हमारी क्या होती है, लिनियर इंडक्शन मोटर कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वही भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह एकमात्र ऐसी मोटर होती है जिसकी सिंक्रोनस स्पीड पोलों की संख्या पर निर्भर ना कर पोल पिच पर निर्भर करती है, ठीक। आपने फॉर्मूला भी देखा था, JS इक्वल टू 2 Ws, ठीक, जहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ पोल ना करके W की जगह पर क्या था आपका, नंबर ऑफ पोल पिच। किस पर डिपेंड करती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड, पोल पिच पर, ना कि नंबर ऑफ पोल पर, ठीक। इसका इसके बाद है, इसमें स्टेटर और रोटर के मध्य अंतर पैदा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक लिविटेशन का। हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होते हैं, सिंक्रोनस स्पीड आपकी किसकी होती है, JS इक्वल टू 2 Ws, ठीक। और यदि हम बात करते हैं, इट्स गिवन बाय स्लिप, तो स्लिप क्या होता है आपका, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड में जो अंतर होता है वो आपकी स्लिप कहलाती है। और हमारे नॉर्मल स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, NS
माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस, तो यहाँ पर क्या होती है आपकी जो मोटर है वो रोटेट होती रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है एक वेलोसिटी होगी, क्योंकि आप मोटर क्या हो रही है एक रेखीय गति कर रही है, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा क्या हो जाएगा, वी एस यानी स्टेटर की वेलोसिटी माइनस रोटर की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्टेटर वेलोसिटी। ठीक, तो या तो यहाँ पर आप वेलोसिटी बोल सकते हैं, एक्चुअल स्पीड, वी इज इक्वल टू एक्चुअल स्पीड। यहाँ पर है थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट ऑफ फोर्स यानी कितना फोर्स लगेगा, तो ये आपका हो जाता है पी टू डिवाइडेड बाय बी एस। ठीक, जहाँ पर पी टू क्या है आपका एक्टिव पावर सप्लाई टू द रोटर, यानी हम रोटर पर कितनी सप्लाई दे रहे हैं, पी टू डिवाइडेड बाय पी टू डिवाइड पी टू पी, यानी कि यहाँ पर आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, टू पी डिवाइडेड बाय वी एस, यानी हमने स्टेटर पर कितनी सप्लाई दी है। ठीक, यानी हमने स्टेटर पर जो सप्लाई देते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारे स्टेटर में लॉसेस हो जाते हैं, और स्टेटर में लॉसेस होने के बाद एयर गैप पावर जो हमारी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, रोटर इनपुट कहलाती है। तो वो रोटर इनपुट पावर कितना है, उसका दोगुना डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ स्पीड, तो हमारा क्या कहलाएगा कि ये थर्स्ट, मतलब थर्स्ट यहाँ पर मतलब है कि रोटर कितनी स्पीड से आगे जाएगा या कितनी स्पीड से किसी भी चीज़ को आगे की तरफ या समतली गति कराएगा, तो ये हमारा क्या लगेगा थर्स्ट कहलाता है। ठीक, यहाँ पर हो जाता है आपका एक्टिव पावर फ्लो इन अ सिमिलर डेट इन अ रोटिंग मशीन। ठीक, तो यानी आपका जो पावर फ्लो होता है वो सेम टू सेम जिसके जैसे होता है आपकी सिंपल इंडक्शन मोटर जैसे, तो यहाँ पर भी आपका जो नॉर्मल मोटर उसमें कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर सी या पी सी आर इक्वल टू क्या हो जाता है एस पी जी, या आपको एक और फॉर्मूला मिलता है आपको एस वन माइनस एस पी जी। ठीक, इस एस पी एम डी होगा यहाँ पर पी एम डी। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होता है आपका जो पी आर सी इक्वल टू क्या हो जाता है एस पी टू इंटू ओ पी जी। ठीक, यहाँ पर पी जी क्या था हमारा एयर गैप पावर, और यहीं पर हमने जब यहाँ पर ये इंडक्शन मोटर थी और यहाँ पर एयर में जो पावर होता है वो हमारे क्या कहलाता है एयर गैप पावर, उसी को हमने किससे शो किया है इस लीनियर इंडक्शन मोटर में, टू पी पी टू से, तो हमारा क्या कहलाएगा पी टू। ठीक, इसके बाद हमारा है पी एम माइनस वन माइनस एस जी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है जब हमने इसको जो हमारी नॉर्मल इंडक्शन मोटर जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या होता है आपका जो रोटर यानी जो रोटर पे जो आउटपुट मिलता है उसको हम किससे शो करते हैं, पी एम डी या मैकेनिकल डेवलप मैकेनिकल पावर बोलते हैं पी एम डी। और पी एम डी और पी जी में क्या रिलेशन होता है, पी एम डी इक्वल टू वन माइनस एस पी जी, ये हमारा क्या होता है पी एम डी यानी कि मैकेनिकल डेवलप पावर और एयर गैप पावर के बीच में रिलेशन होता है नॉर्मल इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा मैकेनिकल पावर और ये हो जाएगा वन माइनस एस, और पी जी की जगह पर हम क्या ले रहे हैं वहाँ पे हमेशा पी टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैकेनिकल डेवलप पावर और एयर गैप पावर के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो आपके जो रिलेशन या पावर फ्लो होता है वो सेम टू सेम किसके जैसे हो जाता है यहाँ पर आपके नॉर्मल इंडक्शन मोटर के जैसे। तो यहाँ पर केवल क्या होता है आपका जो चेंज आता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है वो नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड ना करके नंबर की पोल की पोल पिच पर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक लिमिटेशन क्या होता है। अभी हमने देखा कि क्या आता है यहाँ पर स्टेटर और रोटर के बीच में हमको गैप मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ पर रोटर तो लिनियर गति कर रहा है यानी हम वहाँ पर एंड प्लेट या नहीं रख सकते, यदि हमारा रोटर एक ही पोजिशन पर रोटेट कर रहा होता था तो हम क्या करते थे एंड प्लेट या बेयरिंग की सहायता से इसको बीच में एयर गैप मेंटेन कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर रोटर तो आगे बढ़ रहा है यानी हम क्या करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से इसमें बेयरिंग वगैरह नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में एयर गैप कैसे मेंटेन करते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन से। तो अभी मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है उसको समझते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन को, तो क्या होता है जब किसी भी परमानेंट मैग्नेट को हम किसी कंडक्टिंग लेडर के ऊपर से गुजारा जाता है तो एक बल पैदा होता है जिसको ऊपर की तरफ क्या होता है मैग्नेट को ढकेल लेता है। यानी मैं आपको बताऊंगा कि ये लेडर क्या होता है, तो चलिए थोड़ा सा हम पासवर्ड बता देते हैं, और यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड के पहले तीन वर्ड बता देता हूँ जो क्या है 308। ठीक, तो आगे तीन वर्ड मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ वीडियो से जुड़े रहें। तो आप जब भी आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर PDF डाउनलोड करें तो वहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा, तो आपके जो पहले तीन वर्ड होंगे पासवर्ड के वो क्या हो जाएंगे 308। ठीक, अब हम देखते हैं क्या होता है आपका लैडर है। ठीक, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है आपका लैडर है। ठीक, जब हम क्या करते हैं इस लैडर के ऊपर से परमानेंट मैग्नेट को रोटेट को गुजारते हैं तो क्या होता है, आप देखिए, आप जब भी किसी भी चीज़ मान लेता हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि आपके पास ये मैग्नेट है, जब आप क्या करेंगे इसके ऊपर से किसी भी मैग्नेट को बहुत तेज़ी से गुजारेंगे और बहुत स्पीड से जो गुजारना मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बहुत स्पीड से गुजारेंगे तो ये क्या होगा इसके ऊपर अट्रैक्ट ना होने की जगह पर ये क्या हो जाएगा हल्का सा ऊपर की तरफ आपको रिपेल होते हुए दिखेगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है जब इसको ऊपर की तरफ प्रपेल कर देता है, तो यही हमारे क्या कहलाता है मैग्नेटिक लिमिटेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको ये लैडर है और इसके ऊपर क्या ये मैग्नेट रोटेट हो रहा है। ठीक, तो जैसे हम इसको बहुत तेजी से रोटेट कराते हैं तो ये हल्का सा ऊपर उठ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक लिमिटेशन। यहाँ पर आपको क्या है बी ए और सी कंडक्टर होते हैं, यानी यहाँ पर हम पटरी पर तीन वाइंडिंग करा देते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, तो इसी मैग्नेटिक लिमिटेशन के ऊपर क्या होती है हमारे जो मोटर्स हैं यानी आपकी जो बुलेट ट्रेन है वो वर्क करती है, और हमारी बुलेट ट्रेन में जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो किसका होता है लिनियर इंडक्शन मोटर का।
अब देखते हैं कि जो क्या है कि हमारे पास ये कोई पटरी है, हम क्या कर रहे हैं इसमें से लो स्पीड पर यदि हम लेके जाते हैं, ठीक, यानी कि उसी मैग्नेट को लो स्पीड पर गुजार रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पर कि ये आई टू आई और आई वाई टू अपने जो होते हैं तीन कंडक्टर हैं, ये हमारा ए था, ये बी कंडक्टर हो गया, सी कंडक्टर। तो यहाँ पर ए कंडक्टर में से क्या होता है, इस मैग्नेट पूरा होता है इसके ऊपर, तो इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसको ये रिपेल की तरफ रिपेल करते हैं। लेकिन हमारे जो आजू बाजू के बी और सी कंडक्टर हैं इनमें लगभग आधा करंट फ्लो होता है इस आई के कंपेयर पे, तो ये क्या करता है इस एक एक जो पोल है आप इसको अट्रैक्ट करेगा और दूसरा आपका जो आई वाई टू है उसको रिपेल करता है। तो ये लो स्पीड पर क्या होता है, अट्रैक्ट और रिपेल होने की वजह से आपका जो रोटर है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी जो हम लो स्पीड पर होते हैं तो हमारा मैग्नेटिक लिमिटेशन पॉसिबल नहीं होता, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हाई स्पीड को अचीव करना होगा। तो आपकी जो ट्रेन होती है बुलेट ट्रेन, वो उसमें क्या होती है आपके दो टाइप के वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं, एक आपका होता है डायनेमिक और एक आपका होता है मैग्नेटिक प्रिंसिपल। तो डायनेमिक प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, मैग्नेट को रोटेट कराते हैं, यानी ये मेरी पटरी है इस ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ मैग्नेट को लेके जा रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले हमारे तो ये कोई ट्रेन है, तो इस ट्रेन को हम यहाँ पर पहिए लगे होते हैं, इन पहिए की सहायता से पहले हाई स्पीड पर लेकर आते हैं, और जैसे ही हाई स्पीड पर आती है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसमें सप्लाई दे देते हैं, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट कर लेते हैं, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से क्या होता है, हाई स्पीड की वजह से ट्रेन हल्का सा ऊपर उठ जाती है, और क्या होती है हमारी ट्रेन पटरी से ऊपर उठ जाती है, और ये हमारा कौन सा वर्क, जिससे क्या हो जाता है हमारा मैग्नेटिक लिमिटेशन पॉसिबल हो जाता है, और हमारी मोटर क्या होने लगती है, यानी आपकी जो ट्रेन है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड अचीव कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कि मैग्नेटिक लिमिटेशन कितना आसान होगा, तो यहाँ पर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यदि हम इतनी बड़ी ट्रेन को ऊपर उठाना है तो हमें बहुत ज़्यादा सप्लाई देनी होती है, और यदि हमको बहुत ज़्यादा सप्लाई या बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्ट जनरेट करना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके सुपर कंडक्टर का। और सुपर कंडक्टर होते कुछ नहीं है, आपको एक चीज़ पता होगी, जब भी आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है, यदि मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो सुपर कंडक्टर में केवल इतना ही प्रिंसिपल यूज किया जाता है कि हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं, ये लगभग क्या होता है आपका ऐसा सुपर कंडक्टर जैसे एक नॉर्मल कंडक्टर वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पटरी है उसको कूलिंग की आवश्यकता होती है, तो इस कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपका ये जो पूरा आपका मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इस कॉस्टली मैकेनिज्म की वजह से ये बुलेट ट्रेन है वो हर जगह पॉसिबल नहीं है, या लंबी दूरी के लिए हम अगर लगाएंगे तो आपके नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, और इसकी जो टिकट वगैरह वो बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, जिसकी वजह से क्या होता है ये भी उतना इकोनॉमिकल नहीं है। तो इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है कि हम कैसे इसको इकोनॉमिकल बनाएं, ठीक। तो यहाँ पर है कि जब मैग्नेट को धीमे गति से ले जाया जाता है तो इसके ऊपर एक कंडक्टर आकर्षित या दूसरा प्रतिकर्षित करता है, जिस कारण से लो स्पीड पर मैग्नेटिक लिविटेशन आपका संभव नहीं हो पाता। अब हम देखते हैं हाई स्पीड पर क्या होता है। तो यहाँ पर हाई स्पीड पर हम करते क्या है कि हमारी जब मोटर क्या है एक हाई स्पीड पर रोटेट हो रही होगी, यानी क्या है यहाँ पर हाई स्पीड पर रोटेट हो रही है, सबसे पहले क्या होता है आई की वजह से रिपेल होती है, लेकिन जब तक ये एस या एन इसको अट्रैक्ट रिपेल कर पाते हैं, जब तक हमारा जो क्या होता है ये मैग्नेट बहुत आगे निकल जाता है, और ये क्या करेगा फिर अगली बार में आई सी के सामने आ जाएगा, सी के सामने आएगा तो सी इसको रिपेल कर देगा, फिर ऐसे घूमते हुए बार बार हर एक कंडक्टर के सामने जाएगा और हर एक कंडक्टर क्या करेगा इसको रिपेल करता रहेगा, और हमारी जो ट्रेन है वो लगभग हवा में चलती रहेगी, यानी क्या होगा पटरी से हल्का सा ऊपर चलती है, और यही हमारे क्या कहलाता है मैग्नेटिक लिमिटेशन। तो यहाँ पर केवल मैग्नेटिक लिमिटेशन आपका पॉसिबल कब होता है, जब आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर हाई स्पीड पर ट्रेन को लेके जा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होता है वहाँ पर क्या होता है, हम शुरुआत में इतना हाई मैग्नेटिज्म को जनरेट करते हैं कि वो क्या हो जाता है आपकी जो ट्रेन है वो ऊपर उठ जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको शेयर और लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपको पासवर्ड के लास्ट तीन वर्ड और बता देता हूँ, तो लास्ट थ्री वर्ड आपका क्या हो जाएंगे 069, और इसके पहले तीन वर्ड्स मैं आपको वीडियो के बीच में बता चुका हूँ। तो आपको टेलीग्राम पर जाकर ये PDF मिल जाएगा, जहाँ आप इस पासवर्ड को डालकर इस PDF को ओपन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यदि आप किसी भी अपने टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप किसी भी टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।